नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। हॉस्टल वार्डन के लेके काफ़ी बच्चों के लिए इंक्वायरी है कि सर क्या इसका सिलेबस रहेगा, एग्जाम पैटर्न कैसे रहेगा और एलिजिबिलिटी क्या है, पोस्ट क्या है। जैसे वुमेन को लेकर अगर बात करें तो गर्ल्स पूछ रहे हैं क्या हमें और ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। तो सबके जो डाउट हैं आपके, आपकी सैलरी क्या रहेगी, पोस्टिंग कहाँ पर होगा, ये सब मैं आपको बताऊंगा किस बिहाफ पे आपकी पोस्टिंग होने वाली है। तो जो लोग भी हॉस्टल वार्डन की तैयारी करना चाहते हैं ईएमआरएस में, वो लोग एकदम तैयार हो जाइए। और परीक्षा प्लस के द्वारा ये कोर्स भी लॉन्च किया जा रहा है हॉस्टल वार्डन का, 592 ऑफर प्राइस चल रहा है। 2000 का ये बैच है, 592 प्लस जीएसटी पर यह बैच है, 699 को आपको मिल जाएगा, 699 में यह पूरा बैच आपको मिल जाएगा। इस बैच को लेने के लिए आप परीक्षा प्लस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें या हमारी वेबसाइट जो है live.parikshaplus.org से आप ले सकते हैं। आप परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लें या live.parikshaplus.org से बैच के बारे में डिटेल और जो भी चीजें आपको चाहिए, तो आप नीचे नंबर चल रहा है 9450006007, इस पे आप कांटेक्ट करके सभी डिटेल्स ले सकते हैं। इस बैच में हम आपको लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड देंगे, स्टडी मटेरियल देंगे और इसकी वैलिडिटी टिल एग्जामिनेशन तक रहेगा। बात करते हैं कि जो आपका पोस्ट है कितने पोस्ट हैं, तो टोटल आपके हॉस्टल वार्डन में आपके पोस्ट हैं वो 335 आपके मेल कैंडिडेट हैं और 334 आपके फीमेल, दोनों के लिए अलग अलग है। तो अच्छा खासा पोस्ट है, मेल वालों के लिए मेल है, फीमेल वालों के लिए, तो मेल वाले आपके यहां पर अप्लाई करेंगे मेल में और फीमेल वाले फीमेल में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया, ठीक ठाक वैकेंसी है पूरे हॉस्टल वार्डन में। सैलरी क्या आपकी रहेगी, जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। सैलरी आपकी लेवल 5 की रहेगी, अच्छी खासी सैलरी है, मतलब बेसिक जो आपका बनेगा वो 29,200 बनेगा। इस पर आपका डीए लगेगा 42%। ठीक है, बस इतना ही अगर मैं बता दूं तो इतने से ही आपका 42,000 सैलरी हो जाएगी। अभी और अलाउंसेस जो हैं वो आपको मैंने ऐड नहीं किया है, तो ऑलमोस्ट काटने पीटने के बाद आपका 42 तो मिलेगा ही मिलेगा इन हैंड। 42,000 सैलरी सोचो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वार्डन की अब हम आते हैं कि एज क्या है इसके लिए, तो 35 साल आपका एज है मैक्सिमम। लेकिन जो एससी एसटी या ओबीसी है इनका एज रिलैक्सेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का चलता है, जैसे ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल चलता है, तो ये लगेगा। लेकिन जो कोई ईएमआरएस का कोई इंप्लॉई है तो उसके लिए अपर एज लिमिट जो है वो 55 साल है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो क्या है, 55 साल है। अब हम बात करें कि फीमेल में इसमें कोई छूट नहीं है, फीमेल के एज रिलैक्सेशन में हॉस्टल वार्डन के लिए कोई छूट नहीं दी गई है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें नहीं है। ठीक है, सिर्फ टीजीटी के लिए छूट है 10 साल की, बाकी इसमें आपको छूट नहीं है। पोस्टिंग आपकी कहां होगी, पोस्टिंग जितने भी आपके ईएमआरएस स्कूल हैं, ठीक है, क्योंकि रेजिडेंटियल स्कूल होते हैं तो ये कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। यहां पर ये प्रिफरेंस होगा क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा ना वहां रीजनल लैंग्वेज पूछा जाएगा, तो उसके बिहाफ पर आप अगर रीजनल लैंग्वेज में आप पास करते हो तो उसके भी आप पर प्रिफरेंस आपको दिया जाएगा कि अगर बाय द वे वहां आपकी पोस्टिंग हो सकता है वहां हो जाए आपके रीजन में। ठीक है, क्योंकि इसीलिए रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट भी लिया जा रहा है, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपके ही उसमें हो सकता है पैन इंडिया कहीं भी हो सकता है, लेकिन चांसेस यही रहेगा कि जब रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट हो रहा है तो आपके रीजन में ही हो, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पोस्टिंग आपकी कहीं भी हो सकती है, ये कंपल्स उसमें साफ साफ बोल दिया आपको, पैन इंडिया कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है, लेकिन वही है रीजनल लैंग्वेज के बेसिस पर हो सकता है आपको प्रिफरेंस दिया जाए। ठीक है, बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए, ये आप लोग ध्यान दे लो क्या चाहिए। ये आपके लिए 4 साल की जो आपकी इंटीग्रेटेड डिग्री होती है रीजनल कॉलेज एजुकेशन फॉर एनसीईआरटी एंड एनसीटीई के लिए, अगर वो आपके पास है तभी भी चलेगा, या आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन है, क्या है, आप ग्रेजुएट हो किसी भी चीजों से कोई मतलब नहीं रखता, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं हॉस्टल वार्डन का फॉर्म। ठीक है, तो इसकी एलिजिबिलिटी एकदम साफ सुथरी है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब हम बात करें कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो 120 क्वेश्चन आपके आएंगे, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा।
ठीक है, यहां पे 120 प्रश्न आपके आएंगे, जिसमें से जनरल अवेयरनेस के जो होंगे 10 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग अच्छी खासी 20 प्रश्न रहेंगे, 20 नंबर का रहेगा। कंप्यूटर जो आईसीटी है वो कंप्यूटर है आपका, और कंप्यूटर आपका ऑलमोस्ट आपका 20 प्रश्न रहेगा। उसके बाद से यहां देखो पॉक्सो आपका है और चिल्ड्रेन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट भी है, मतलब चिल्ड्रेन से जो सेफ्टी एक्ट आते हैं गवर्नमेंट के वो पढ़ने हैं और इसके बारे में पढ़ने हैं। तो अभी आप देखोगे केवीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये आपका सिलेबस था, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन एप्टीट्यूड जो है ना था, तो एडमिनिस्ट्रेशन एप्टीट्यूड एंड फाइनेंस था उसमें, फाइनेंस का भी देख रहा था। लेकिन यहां फाइनेंस नहीं चाहिए आपको, यहां एडमिनिस्ट्रेटिव रूल चाहिए। तो बेसिकली यहां पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स के बारे में पढ़ना है, जैसे सीसीएस हो गया, आपका सीसीए हो गया, ये रूल जो होते हैं एक तरह से बोला जाए, एमओई का मेमोरेंडम ऑफ एजुकेशन ये देखना है, एमओई पढ़ना है, एनसीपीसीआर एनआईडीएम की गाइडलाइंस पढ़ना है, या पूरा डिटेल में बता दूंगा एक अलग से सिलेबस लेके। लेकिन अभी हम लोग वेट कर रहे हैं इसका सिलेबस क्या आता है। देखिए सेंट्रल के जितनी वैकेंसियां हैं उनमें ऑलमोस्ट सिलेबस सेम रहता है। तो जो मैं बता रहा हूं कि सीसीएस रूल या सीसीए रूल पढ़ना है, प्लस एनआईडीएम से रिलेटेड जितने भी रूल्स निकलते हैं आपके बच्चों के सेफ्टी के लिए, उसके बारे में आपको ज्यादातर ध्यान रखना, गाइडलाइन आपकी क्या होनी चाहिए स्कूल सेफ्टी के लिए, ये सब होता है इसमें। ठीक है, बाकी सिलेबस का अवेट कर रहे हैं, जो जनरल चीजें हैं वो तो आपकी चलेंगी ही, जाहिर सी बात है एडमिनिस्ट्रेशन चीज है तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहां पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी अभी हो सकता है आज ही या कल में आपके सिलेबस डिटेल में दे दिया जाए। लैंग्वेज की बात करें तो 30 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज आएगा, इसमें क्या है जनरल हिंदी है और जनरल इंग्लिश है। बाकी जैसे आपके दो पोस्ट और निकाले गए थे, जैसे पीजीटी हो गया, जेएससी लैब अटेंडेंट का जेएससी वाला हो गया और लैब अटेंडेंट हो गया, इन सब में ये चीजें सेम है। एक्स्ट्रा क्या बढ़ी है आपके साथ, आपके साथ ही रीजनल लैंग्वेज बढ़ गया है। हिंदी इंग्लिश आपका वही है, रीजनल लैंग्वेज मतलब जहां से आप बिलोंग करते हो वो भी आपका रहेगा। टोटल 10 हर सब्जेक्ट से 10-10 क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए 30 है, 30 हिंदी 30 इंग्लिश और 30 आपके रीजनल लैंग्वेज, जो आपका रीजनल होगा यहां पर दिया गया। टोटल देखो 18 रीजनल लैंग्वेज दिए गए हैं, बंगाली डोगरी इंग्लिश गारो गुजराती हिंदी कनाडा काश्मीरी खासी उर्दू तेलुगु संथाली उड़िया नेपाली मिजो मराठी मैनपुरी और आपका मलयालम। इनमें से आप अपने रीजन के अकॉर्डिंग आप जिसमें सहज महसूस करते हैं वो लैंग्वेज ये रीजनल लैंग्वेज में ले सकते हैं, मतलब उसके 10 क्वेश्चन होंगे। हाँ, जो बच्चे मान लो यूपी के हैं वो और भी कई जगह के स्टेट के हैं जहां बहुत ज्यादा रीजनल लैंग्वेज का वो नहीं होता है, राजस्थान मध्य प्रदेश इसमें कौन सा रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, तो यहां पर बच्चे चूज करेंगे इंग्लिश या हिंदी, तो उसी में से आप चूज कर सकते हो हिंदी या इंग्लिश, तब आपके दो हिंदी हो जाएंगे। अगर मान लो यूपी वाले बच्चे हैं, हिंदी एक तो है ही, हिंदी इंग्लिश तो देना ही देना है, प्लस रीजनल में भी आप हिंदी ले सकते हो, उसमें भी आप इंग्लिश ले सकते हो, ऐसा नहीं है इसमें से, ठीक है, तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं चीजें सेम हो जाएंगी, कुछ चीजें थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा उसका भी हम बता देंगे आप लोगों को। ठीक, तो ये बात हो गई रीजनल लैंग्वेज वाली। अब हम बात करें, देखो निगेटिव मार्किंग है, एक मार्क का एक क्वेश्चन है, निगेटिव 0.25 है आपका, 0.25 आपका निगेटिव है, ये आपका निगेटिव मार्किंग है, प्लस आपका जो है 1 मार्क्स के एक क्वेश्चन होगा। यहां देखिए 120 क्वेश्चन आपके होंगे, 120 मार्क्स के और 2.5 घंटे का पेपर होगा, और पेपर आपका जो होगा वो ऑफलाइन होगा, मतलब पेन पेपर मोड होगा, पेन और पेपर मोड में आपका ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुआ, हो सकता है अभी कुछ देर आज शाम तक ये आपका लिंक ईएमआरएस की वेबसाइट पर एक्टिवेट हो जाए तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं। और जो भी बच्चे जिनका भी ये है कि सर मैं ग्रेजुएशन अभी फाइनल ईयर में हूं तो मैं अप्लाई कर सकता हूं, अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है, आप एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट अगर आपका 18/8 से पहले आ जाता है, ठीक है, 18/8/2023 से पहले आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जितने भी आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट हैं या आपका जो भी एक तरह से बोला जाए ओबीसी एससी एसटी जो भी सर्टिफिकेट है वो सभी डॉक्यूमेंट आपके 18/8/2023 से पहले के होने चाहिए। एक बात और, बच्चे क्या कर रहे हैं कि फॉर्म भरते समय काफी गलतियां कर रहे हैं, जैसे गलती एक हो रही है कि मम्मी और पापा के नाम में आप लोग मिस्टेक कर दे रहे हो,
ये गलती ना करें, ईएमआरएस के जो आपका नोटिफिकेशन निकाला गया साफ साफ लिखा गया है, अगर आपके फादर या मदर के नेम में अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक पाई जाती है, ठीक है, तो आपको डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा। बहुत ही स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है। यहां पर आप सोचोगे एफिडेविट से काम चला ले तो आपकी भूल हो सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां स्ट्रिक्टली बोला गया है कि आपके जो मार्कशीट में आपके मम्मी और पापा का नाम है सेम हूबहू फॉर्म में भी आप फिल करिए। तो इस बातों को ध्यान रखिएगा, फॉर्म बहुत सीरियस होकर फिल करिएगा। रही बात अगर जिनको भी हो सकता है एक साथ दो पोस्ट अप्लाई करना है, तो आप वहीं पर क्या होता है, एक बार एक पोस्ट को अप्लाई कर दिए तो दूसरा नहीं अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि आपका डेटा पहले से सर्वर पे चला गया। इसीलिए कुछ बच्चे यहां पे जीएससी वैसे में बहुत सी गलतियां किए हैं, इस बात को ध्यान रखिए कि यहां पर आपको क्या करना है, ठीक है, यहां पे क्या करना है कि आपको जब फॉर्म आप फिल होने के लिए आता है ना, तो ऊपर ही आएगा वार्डन के लिए करना चाहते हैं, टीजीटी के लिए करना चाहते हैं, वहीं आपको टिक लगाना होता है बस, ठीक है, एक ही बार में आपके दो पेमेंट कट जाएंगे, बस ये ध्यान रखिए। कई बच्चे ये गलती कर रहे हैं, तो अभी भी जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे हैं ये गलतियां सुधार लें अपने। सिलेबस की बात कर लें तो देखो जनरल अवेयरनेस का सिलेबस वही रहने वाला है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर विथ स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन के फील्ड में आपके करंट और बाकी जनरल चीजें तो रहेंगी, लेकिन एजुकेशन के फील्ड में भी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। रीजनिंग एबिलिटी में आपके पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशियंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, डिस्टेंस डायरेक्शन, एसर्शन रीजनिंग और वेन डायग्राम आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके क्वेश्चन एग्जाम में है। कंप्यूटर में आपका आईसीटी आई जो है उसमें क्या है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट एंड देयर यूजेस ऑफ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म, एब्रिविएशन कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट, ये सब में कॉमन है। जितने भी आपके निकल रहे हैं पोस्ट ईएमआरएस के, उनमें ये पार्ट तो सबका कॉमन है, तो ये आप सेम है चीजें आपकी सिलेबस। हाँ, चेंज क्या हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, जैसे मैंने कहा यहां सीसीए, आप सीसीएस पूछेगा आपसे, ठीक है, सीसीएस पूछेगा, सीसीए रूल, सीसीएस इन सीसीए रूल, सीसीए रूल, सीसीए का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील, ठीक है, ये पूछता है आपसे। उसके बाद से हम बात करें फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल होता है, फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स जो होते हैं, अभी हम इसके वेट कर रहे हैं कि इनके में क्या चेंजेस हो रहे हैं, कुछ चेंजेस हो, जैसे ये केंद्र विद्यालय का मैं बता रहा हूं, ये केंद्र विद्यालय का बता रहा हूं, लेकिन आने पर कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। फिर गाइडलाइंस जो आपके गवर्नमेंट की निकलती है स्कूल सेफ्टी के लिए, वो सब पढ़ना है। और यहां पर देखो पॉस्को और चिल्ड्रन रिलेटेड गवर्नमेंट एक्ट पढ़ना है, ठीक है, तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, जैसे इसके भी सिलेबस आ जाएंगे, लेकिन इसकी क्लासेस आपको मैं बता दूं ऑन द बिहाफ ऑफ, अभी चलेगी एक दो दिन में, अगर आ जाता है तो अभी मंडे से ही इसकी क्लास चलेगी, ठीक है, इन सब चीजों की, बाकी जनरल चीजों की क्लास आपकी चल रही है, आप उसे देख सकते हैं, वहां से डेमो देख सकते हैं। जनरल इंग्लिश की आपका यही है, वर्ब, टेंस, वॉइस, एग्रीमेंट, आर्टिकल, कंप्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर, मतलब पूरा सेम है, अनसीन पैसेज, उसके बाद एंटीनोम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, इडियम, फ्रेजेस, वोकैब्स, ये सब आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, ये इंग्लिश से जनरल। और जनरल हिंदी एकदम आसान, संधि समास, विलोम, पर्यायवाची, अशुद्धियां, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, अपठित गद्यांश आधारित प्रश्न रहेंगे, ठीक है, तो ये जनरल हो गया। बाकी जो आप रीजनल में भी आप चूज करोगे उसका भी सिलेबस आ ही जाएगा, ऑलमोस्ट इसी के अप्रोक्स में रहेगा, तो जो इंग्लिश हिंदी चूज करेंगे उनके लिए फायदा ही रहेगा, कहीं ना कहीं उनको पूरा ग्रामर पढ़ना ही है तो उसी में से चीजें रहेंगे, और यहां पर हिंदी उनको पढ़ना ही है तो कुछ चीजें और हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी बस, तो ऑलमोस्ट चीजें सेम हो जाएंगी उनके लिए, एक पेपर 10 क्वेश्चन और उनके लिए बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनसे मैं बता दूं कि भैया आपका ये कोर्स जो है परीक्षा प्लस ऐप पर, कहां पर, परीक्षा प्लस ऐप पर लॉन्च हो चुका है, तो जिन्हें भी एडमिशन लेना है आप ले सकते हैं, वहां से डेमो क्लासेस भी आप देख सकते हैं, ठीक है, आपके पूरी की पूरी ईबुक इसमें आपको दिया जाएगा, पूरा नोट्स आपको प्रिंटेड दिया जाएगा, और क्लास नोट्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा ईबुक के फॉर्म में, जैसे ये आईसीटी का नोट्स हो गया, जनरल अवेयरनेस का हो गया, पॉक्सो का ये हो गया, आपका लैंग्वेज में आपके आ जाएंगे जो लैंग्वेज रहेंगे इंग्लिश हिंदी वाला, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड्स का ये नोट्स रहेगा, और ये रीजनिंग एबिलिटी के आपके प्रैक्टिस सेट रहेंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पूरे नोट्स आपको ईबुक के फॉर्म में मिलेंगे जिसे आप डाउनलोड करा के प्रिंट करा सकते हो, और अकॉर्डिंग टू द आपके सिलेबस रहेगा पूरा,
ठीक है। तो ये ध्यान है, जिन्हें भी एडमिशन लेना है आप परीक्षा प्लस ऐप से ले सकते हैं, पूरी डेडिकेटली ये बैच आपके लिए वार्डन के लिए चलाया जाएगा और इसकी जो फीस है वो 699 है, मतलब 592 प्लस जीएसटी है इस पर, ठीक है। तो आप जल्दी से, ऑफर प्राइस है, कुछ दिनों में इसकी प्राइस जो है बढ़ सकती है, तो आप सभी एडमिशन जो लेना चाहते हैं, इच्छुक हैं, वो आप परीक्षा प्लस ऐप से ले सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या अगर है आपको तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9450006007 और 9129697070। तो एकदम आसान सा है, कुछ सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है, अगर सिर्फ आप एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड पढ़ लेते हैं और सबसे ज्यादा वेटेज उसी का है, 30 उसके क्वेश्चन है और 30 आपके लैंग्वेज वाले हैं, तो लैंग्वेज में तो आपके लिए फायदा ही, आप अगर और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ ये भी आपका पूरा हो सकता है। तो किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप जरूर कमेंट में करिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।